आपके लिए लेके आ रहे हैं इंडिपेंडेंस डे सीरीज, और इस सीरीज में हम हर स्टेट से कुछ ना कुछ बना के दिखाने वाले हैं आपको। और आज की जो रेसिपी है वो आती है राजस्थान से, और हम बना के दिखाएंगे आपको लाल मांस। मांस जो है मटन, वो हमने मिक्स कट लिया है लाल, इस चिली मथानी या चिली की वजह से इसका नाम लाल मांस पड़ा है। और लाल मांस हम बनाएंगे देसी घी में, 200 ml देसी घी। घी गर्म हो गया है, मैं डाल रहा हूँ 4 हरी इलायची हाथ से खोल के, 4 लौंग, 2 तेज़पत्ता तोड़ के, 2 दालचीनी के टुकड़े और कुछ काली मिर्च के दाने। और अब हम डालेंगे प्याज, और प्याज डाल रहे हैं 250 ग्राम, और एक बराबर कटा होना बहुत ज़रूरी है। डालते हैं लाल मांस को, सरसों के तेल में भी बनाया जा सकता है, लेकिन घी में जब लाल मांस बनता है तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो ज़्यादातर लोग घी में बनाना पसंद करते हैं राजस्थान में लाल मांस। इसे हमें एक साथ अच्छे से लाल करना है, सो चला के कीजिएगा। सो अब हम आँच को थोड़ा कम करेंगे और लगा देंगे ढक्कन, और प्याज को लाल होने तक हम पकाएंगे। अब आप देख सकते हैं प्याज लाल हो गया है, और इसे अब हमें धीरे धीरे हल्का थोड़ा सा भूरा और करेंगे। अब आप गौर से देख लें कि प्याज को हमें इतना भूरा करना बहुत ज़रूरी है कि हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म पानी ताकि हम हीट को रोक दें, कलर जो भूरे की ओर जा रहा है उसको यहाँ पे रोक दें, और रोकने के लिए पानी डालेंगे। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाल मांस बनाते समय, इसे करना बहुत ज़रूरी है, और पानी हमें गर्म ही डालना है। और अब हम डालेंगे मीट, और मीट डालते समय ध्यान रखना है कि मीट हमें एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे करके डालेंगे हम ताकि हीट मेंटेन रहे, हीट को हमें लो नहीं ले करना। 1 किलो मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आप इस रेसिपी के लिए अपने पसंद के कट का इस्तेमाल कर सकते हैं। धीरे धीरे करके मीट को प्याज के साथ भूनेंगे, लगा देंगे ढक्कन और पकने देंगे। ढक्कन हटाएंगे और यहाँ पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक ताकि मटन अपना पूरा पानी रिलीज करे, और वापस से हम ढक्कन लगा देंगे। और इसी बीच में हम बनाते हैं चिली पेस्ट, और मथानी चिली जोधपुर रीजन से आती है, और ये 4 से 5 इंच लंबी होती है, 30 ग्राम सोख की हुई चिली। लेकिन इस चिली की खूबी यह है कि ये थोड़ा मीठा भी लगता है, सो थोड़ी सी क्वांटिटी ज़्यादा डली है वो थोड़ा स्पाइसी देने का काम करेगा, इसमें एक स्मोकी फ्लेवर भी होता है। ढक्कन हटाते हैं, पेस्ट बन के तैयार है, और देखिए लाल कलर। इसमें हम मिलाएंगे 200 ग्राम दही, और जब भी दही लाल मांस बनाने के लिए इस्तेमाल करें एक बात का ध्यान रखें कि दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए, आप दही को अच्छे से जमाएं और दही आपकी खट्टी ना पड़े। वापस से हम फिर यहाँ एक चुटकी हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल मांस का एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जिसे हम कचरी बोलते हैं, और इसे पाउडर फॉर्म में हमें डालना है। कचरी का मेन काम टेंडराइजर करना है, यानी गलाना, और कचरी के अंदर में एक अपना खट्टापन होता है, डिश में खटास आपको कचरी से मिलेगी। ढक्कन हटाते हैं, और आप देख सकते हैं मटन अपना पानी रिलीज कर रहा है, और अच्छा पानी छोड़ दिया मटन ने। अब यहाँ पे मिलाएंगे हम जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पे जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेशियो है वह 70% गार्लिक होगा और 30% अदरक, और ये हम डालेंगे 2 चम्मच। अच्छे से चला लेते हैं, और वापस से हम ढक्कन लगाएंगे और कवर करके पकने देंगे। ढक्कन हटाते हैं और मिलाते हैं 1 चुटकी हल्दी, ज़्यादा नहीं मिलाना, और चला लेंगे। यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल चमक देने के लिए किया जा रहा है। अब वापस से हम ढक्कन लगाएंगे, और चलिए ढक्कन हटाते हैं और भून लेते हैं। अब प्याज धीरे धीरे घुटने लग गया है, इस स्टेज पे मैं मिला दूंगा मथानी चिली दही का घोल जो अभी हमने तैयार किया। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और एक ही डायरेक्शन में हमें घुमाना है। अब ये देखिए सुर्ख लाल कलर लाल मांस का। लाल मांस का जो दूसरा तरीका है उसमें मटन को दही मथानी चिली के साथ मैरिनेट कर दिया जाता है अच्छे से, और फिर जब प्याज लाल हो जाता है भूरा उसके बाद हम मटन को मिला देते हैं, और ये तरीका ज़्यादातर राजा रजवाड़े इस्तेमाल करते हैं। अब लाल मांस को ढक्कन लगा के भुना जाएगा, और भुनाई बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लाल मांस के लिए। चलिए ढक्कन हटाते हैं और चला लेते हैं। अब देख सकते हैं आप
धीरे धीरे घी स्प्लिट होने लग गया है और यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 चम्मच। धनिया पाउडर घोल में भी मिलाया जा सकता है, हम यहाँ पे मिला रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि लाल मांस का कलर नहीं ख़राब होगा। अब जो ये घी बाहर निकला है, इसमें ये धनिया भी अच्छे तरीके से ढक्कन लगाते हैं और भूनते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ढक्कन हटाते हैं और अच्छे से हमें भूनना है। मसाला अच्छे तरीके से भून गया है और मटन भी अच्छा भुना है, मसाले सूख रहे हैं। अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी कि घी स्प्लिट हो रहा है, और इसी बीच में हम डालेंगे पानी। और लाल मांस रोटी के साथ खाई जाती है तो हमें ग्रेवी को थोड़ी सी गाढ़ी ही रखनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना। हमारा मटन कम से कम 75-80% पक गया है और हम डाल रहे हैं 750 ml पानी। चलिए चला लेते हैं, अच्छे से हिलाएंगे। 6 से 7 गार्लिक जिसको हमने क्रश कर लिया है, और ये भी लाल मांस में मिलाई जाती है, और ये भी एक सीक्रेट चीज़ है लाल मांस के लिए, और बहुत सारे होटलों में भी ये सीक्रेट डाली जाती है। हम चला लेंगे और ढक्कन लगाते हैं और पकने देते हैं। ढक्कन हटाते हैं, ये देखिए ग्रेवी गाढ़ी हो गई है, और हम मटन को चेक भी कर लेते हैं, और ये देखिए मटन हमारा पूरी अच्छी तरीके से गल गया है। आइए सर्व करते हैं लाल मांस। सर्व करते हैं लाल मांस। राजस्थान के कुछ कुछ जगहों पे लाल मांस में धुआं लगा दिया जाता है, जोधपुर में धुआं नहीं लगाया जाता, और जोधपुर में काचर मीट या जोधपुरी मीट में धुआं लगाया जाता है। और गार्निश करेंगे हम कटे हुए धनिया के साथ। इंडिपेंडेंस सीरीज़ की ये हमारी पहली डिश लाल मांस है, और ये आती है राजस्थान से। और इसी तरीके से हम इंडिया के अलग अलग स्टेट से आपको कुछ ना कुछ बना के दिखाएंगे। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप हमारी इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और हम देखेंगे कि किस स्टेट से और कौन सी रेसिपी सबसे ज़्यादा शेयर की गई।